गाइस हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना था, कुछ किताबें लाई जानी थी, कुछ जरूरी सामान भेजा जाना है। सो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल्स लिए, कुछ किताबें लाई जानी थी, यानी कौन लाएगा इसके बारे में नहीं बताया गया है, ऐसा बोला गया है कि किताब लानी थी। सो यहाँ पर जो किताबें हैं ये ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना था। सो इस जो प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है, कौन प्रोजेक्ट को पूरा करेगा इसके बारे में नहीं बोला गया है, बट ऐसा बोला गया है कि इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना था, यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये है ऑब्जेक्ट। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में लिखने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हमको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में तब आपको यूज कर देनी है वाज वेयर, इसके बाद आपको यूज करनी है टू, टू के बाद वी, वी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना था। दिस प्रोजेक्ट वॉज टू बी कम्प्लीटेड टूडे ओनली। दिस प्रोजेक्ट वॉज टू बी कम्प्लीटेड टूडे ओनली। देखिए ये सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हमने यूज कर दिया वाज, और कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड भी यूज कर दिया। द नेक्स्ट एग्जांपल, काफी काम निपटाया जाना है अभी। अ लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन। अ लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन। द नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ किताबें लाई जानी थी। Some books were to be brought. Some books were to be brought. कपड़े खरीदे जाने हैं अभी। Clothes are yet to be purchased. Clothes are yet to be purchased. कुछ जरूरी सामान भेजा जाना है। Some necessary items are to be sent. Some necessary items are to be sent. अगले कुछ नई योजनाएं शुरू होनी थी। सम न्यू स्कीम्स वेयर टू बी स्टार्टेड नेक्स्ट मंथ। सम न्यू स्कीम्स वेयर टू बी स्टार्टेड नेक्स्ट मंथ।